गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ इट इज़ द टाइम फॉर योर साइंस क्लास एंड आई एम योर साइंस टीचर रंजना शुक्ला मैम. ओके, अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. द टॉपिक्स आर न्यूट्रिएंट्स, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ स्टोमेटा, व्हाट इज़ क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इन बिटवीन वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड द सेल्स. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड द फोटोसिंथेसिस इन द लीव्स ऑफ कलर अदर दैन ग्रीन. नाउ वी विल डिस्कस द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एज वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड. ठीक है, मतलब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी बॉडी या कोई भी प्लांट हो या एनिमल, प्लांट और एनिमल को हम लोग ऑर्गेनिज्म कहते हैं ना, मालूम है ना, वेदर किसी भी लिविंग बींग को हम लोग ऑर्गेनिज्म कहते हैं. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है तो उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, सो लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. आई होप यू हैव सीन दिस प्लांट इन रिहंदगर. दिस प्लांट इज अमर बेल. आप देख रहे हो एक पेड़ है, उसके ऊपर एक पूरी लता इस पेड़ को पूरे ढके हुए है. दिस इज नोन एज अमर बेल. अमर बेल को हम लोग कसकुटा भी बोलते हैं. तो ये कसकुटा इस प्लांट के ऊपर क्यों है? बिकॉज इट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड. फॉर इट्स फूड इट डिपेंड्स ऑन द प्लांट विच इज कवर्ड बाई दिस अमर बेल और कसकुटा. उस प्लांट पर डिपेंड करता है ये, जिसको इसने कवर करके रखा है. ठीक है, तो अब जिस प्लांट से इसने न्यूट्रिशन लिया दैट विल बी नोन एज होस्ट. क्या बोलेंगे उसको? होस्ट. जो प्लांट नीचे है वो होस्ट है, और अमर बेल ने जिसको ढक अमर बेल ने ढक रखा है, तो अमर बेल क्या है? पैरासाइट. ठीक है, सो पैरासाइट किनको बोलते हैं? पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स और दोज प्लांट्स और एनिमल्स. इट कैन बी प्लांट और एनिमल्स, पैरासाइट कुछ भी हो सकते हैं. सो पैरासाइट्स आर दोज एनिमल्स और प्लांट्स विच टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर प्लांट. ठीक है, और उस प्लांट को जिससे वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं हम लोग क्या बोलते हैं? होस्ट. ठीक है, सो द पैरासाइट्स आर दोज प्लांट्स विच टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट. ठीक है, अब ये इसका खाना खाएंगे तो इसको नुकसान पहुंचेगा कि नहीं? पहुंचेगा ना. कुछ दिन में आप देखोगे ये अमर बेल की वजह से ये नीचे वाला प्लांट पूरा सूख जाएगा और अमर बेल और फैल जाएगी. ठीक है, कुछ उसके बाद वो भी मर जाएगी क्योंकि उसको भी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा. सो पैरासाइट हमेशा अपने होस्ट को हार्म करते हैं. जैसे आप देखते होंगे जो बच्चे नहाते नहीं है, गंदे बच्चे होते हैं, उनके सिर में जू चीलर ये सब होते हैं ना, वो क्या करते हैं? उन खून चूसते हैं जिसके सर में वो होते हैं. तो वो खून चूसने से क्या होता है? आदमी धीरे धीरे वीक हो जाता है. तो जिसका खून चूस रहा है यानी आदमी, वो होस्ट हो गया, और जो जू है वो क्या हो गई? पैरासाइट. ठीक है, तो पैरासाइट एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है. सो दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, द अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज इंसेक्टिवोरस प्लांट. आपने कभी सुना है कि प्लांट्स भी कीड़े खाते हैं? देर आर सम प्लांट्स विच आर इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स. Let us see the view of insect eating plants. It is known as pitcher plant. Pitcher means घड़ा. इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो घड़े जैसी हो जाती है. ठीक है, एंड द माउथ ऑफ द pitcher which contain a lid. इस पर एक ढक्कन भी होता है. तो क्या होता है कि जब कोई भी इंसेक्ट इस pitcher के पास आता है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है. ठीक है, बंद हो जाने से क्या होता है? वो इंसेक्ट इस घड़े के अंदर ट्रैप हो जाता है, और धीरे धीरे उसको डाइजेस्टिव जूसेस से प्लांट अपने कुछ प्रोटीन्स वगैरह सिक्रीट करके उसको डाइजेस्ट कर डालता है. ठीक है, सो हियर लीफ आर मॉडिफाइड इनटू पिचर.
ठीक है, लीफ जो है वो घड़े का रूप ले लेती है और उस घड़े में जब भी कोई इंसेक्ट आता है तो उसको वो ट्रैप कर लेता है, ठीक है। तो ये प्लांट आप मुझे बताओ ये ग्रीन है या नहीं है? एज वी कैन सी इट इज़ अ ग्रीन प्लांट। तो जब ये ग्रीन प्लांट है तो ये तो अपना खाना खुद बना सकता है, तो इसको इंसेक्ट पे डिपेंड करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? खाना तो ये खुद बना सकता है पर फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसको नहीं मिल पाती, तो नाइट्रोजन के लिए ये डिपेंड करता है इंसेक्ट पे। इसलिए ये नाइट्रोजन ईटिंग के लिए पिचर में इंसेक्ट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो यानी ये फोटोसिंथेसिस भी करता है और इंसेक्ट ईटिंग भी करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहा है इसका मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इंसेक्ट ईटिंग कर रहा है इसका मतलब दिस इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट इज दैट प्लांट विच इज हैविंग बोथ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज वेल एज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अंडरस्टूड? ओके, लेट अस मूव टूवर्ड्स अदर टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दैट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड द ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स हम लोग किनको बोलते हैं? आपने कभी घर में बचा हुआ खाना देखा होगा, या कभी आप ब्रेड वेड बहुत दिन तक रख देते हो तो आपको उस पर ग्रीन ग्रीन फंगस दिखाई देते हैं ना, ये फंगस क्या है? दीज आर ऑल्सो एन ऑर्गेनिज्म। ये इनको हम लोग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं बिकॉज दे आर लिविंग बींग। आपको उस दिन और ब्रेड छोड़ दो वो और बढ़ जाते हैं, तो जो चीज़ बढ़ती है वो क्या होती है? लिविंग होती है ना, तो फंगस भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सो लेट अस सी what kind of organism always take nutrition, so fungus will also take nutrition, what kind of nutrition it is saprotrophic nutrition। ये अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, सड़े हुए खाने पर depend कर रहा है, plants पर depend कर रहा है, ठीक है। तो सड़े हुए खाने पर depend कर रहा है इसका मतलब दूसरे पर depend कर रहा है, so saprotrophic mode of nutrition is a type of heterotrophic nutrition। okay, क्या करता है ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में? ये सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन लेता है, ठीक है। तो अब फंगस को हम लोग सिंगुलर में फंगस बोलते हैं और प्लूरल में बोलते हैं फंजाई, FUNGI, फंजाई इज प्लूरल एंड फंगस इज सिंगुलर, FUNGUS। ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई परफॉर्म? फंजाई परफॉर्म सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। The you can see the definition here, the mode of nutrition in which organism take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। मतलब वो mode of nutrition जिसमें organism अपना food किससे लेता है? सड़ी गली चीज़ों से लेता है, मरी हुई चीज़ों से लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? saprotrophic nutrition। और उस organism को जो saprotrophic mode of nutrition करता है उसको क्या बोलते हैं? saprotrophs। okay, there are some different kind of relationship which is known as symbiosis। what is symbiosis? यहाँ भी आपने देखा कि फंजाई अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा, तो उसको अपना खाना बनाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है, इसलिए वो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है ना। लेकिन हमने कल पढ़ा था एल्गीज कैन मेक देयर ओन फूड बिकॉज एल्गीज आर ग्रीन इन कलर, तो देयर इज सम कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो एल्गी और फंजाई की कॉम्बिनेशन से बनते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग लाइकेन्स। क्या बोलते हैं? लाइकेन्स। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन्स अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा, एल्गा इज सिंगुलर एंड एल्गी इज प्लूरल। तो कुछ फंगस और एल्गी दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? लाइकेन। फंगस इज the non-green partner and the alga is the green partner। तो green partner क्या करेगा? खाना बनाएगा, और fungus क्या करेगा? उस algae को रहने के लिए जगह देगा, तो दोनों को एक दूसरे से benefit हो रहा है ना। तो इस तरह की relationship को हम लोग बोलते हैं symbiosis, ठीक है। So सबसे पहले आप लिखोगे symbiosis, some organism live together and share both shelter and nutrients, this relationship is called symbiosis। okay, after that you will write the example, in organism called lichens a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together, ठीक है। तो आप lichen की भी definition लिखोगे, ठीक है। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, पर अभी आप ये देखेंगे कि आपको क्या क्या लिखना है।
आपकी अपनी नोटबुक में, नोटबुक नई होना कोई ज़रूरी नहीं है, आप पुराने पेजेस निकाल करके नोटबुक बना सकते हैं और आप उसको इवनिंग में सब कुछ लिखने के बाद मुझे दिखाएंगे भी. ओके, फर्स्ट यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन, आई एम डिक्टेटिंग, जस्ट नोट डाउन. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इट इज गिवन इन द फर्स्ट पेज. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाई प्लांट्स. ठीक है, इतना लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. After that, you will give the heading types of heterotrophic nutrition. What is the first type? That is parasitic nutrition or parasite and host. आप लिखेंगे parasite की definition. ये दिया हुआ है. Just see the sixth line from lower side. A plant called cuscuta or amarbale. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called the host. आप host की definition लिखेंगे, ठीक है? Host. उसके बाद आप लिखेंगे parasite. Parasite की definition. Cuscuta is called the parasite. ठीक है? आपको पैरासाइट की और होस्ट की करेक्ट डेफिनेशन मैं लिखवा दूंगी. ठीक है, अभी आप इतना नोट करेंगे. देन आफ्टर यू विल राइट द इंसेक्टिवोरस प्लांट. द इंसेक्ट इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट. इतना लिखेंगे आप, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. आफ्टर दैट यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम, पिक्चर प्लांट शोइंग लिड एंड पिक्चर. ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे उस डेफिनेशन को लिखने के बाद. आफ्टर दैट यू विल राइट सेप्रोट्रॉफ्स. सेप्रोट्रॉफ्स हियर गिवन सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. आप कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, दिस को द कर लीजिएगा. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. उसके बाद आप डेफिनेशन लिखेंगे सेप्रोट्रॉफ्स की. सच ऑर्गेनिज्म विथ सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स. एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, फंजाई. क्या एग्जाम्पल लिखेंगे सेप्रोट्रॉफ का, फंजाई. अब उसके बाद आप क्या लिखेंगे, you will write the symbiosis. Definition of symbiosis, some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. After that you will write the definition of lichens. In organisms called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and mineral to the alga, and in return the alga prepares and provide food to the fungus. So after writing all this, our class will be over and you will show all these definitions to me in the evening. Thank you very much. Till then, stay safe, stay healthy and stay at your home. Always wash your hand. Bye bye.